हरे कृष्णा। आज के इस कलयुगी वातावरण में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति, हिंदू है या मुसलमान हो, स्त्री या पुरुष हो, अमेरिकन हो या पाकिस्तानी, कोई भी हो, सबके सबका माइंड डिस्टर्ब रहता है। बहुत परेशान रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। कमरे में गए, लाइट का स्विच ऑन किया, लाइट नहीं जली तो डिस्टर्ब हो जाते हैं एकदम। नल खुलने का, नल में पानी नहीं आया तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी को कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। किसी को मैसेज दिया, उसने मैसेज रिप्लाई नहीं किया तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा कैसे? तो कलयुग में लोगों का माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता, हपुद रहता। दे आर बाय नेचर माइंड इज डिस्टर्ब। हर व्यक्ति परेशान है, अमीर हो चाहे गरीब हो, ज्ञान हो या मूर्खी हो, कोई भी व्यक्ति हो, धनी हो या गरीब हो, सबके सब डिस्टर्ब हैं। सबके सब जहाँ देखेंगे सबका माइंड डिस्टर्ब रहता है, कुछ ना कुछ इनके मन में डिस्टर्बेंस चलता ही रहता है। तो बड़ी समस्या है कि डिस्टर्ब माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाए। इसका एक ही तरीका जो शास्त्र बताते हैं, खासतौर से कलयुग में, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्यता। यदि हम इस कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यदि हम इस मंत्र का जाप करेंगे तो इस मंत्र के जाप करने से हमारा मन स्थिर हो सकता है, शांत हो सकता है। क्योंकि इस मंत्र में वो शक्ति है हमारे मन को नियंत्रित कर सकती है, संभव है कलयुग में। और महामंत्र का जाप करना, कभी कभी लोग सोचते हैं अरे जाप करना है तो हमको हमारी पहले बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी क्या। कोई बोलता है हमें शराब छोड़ना पड़ेगा, कोई बोलेगा मांस छोड़ना, फिर हम जप कर पाएंगे क्या मांस खाने के बाद। ऐसा नहीं है। आप जो हो जैसे हो, अकामा सर्व काम होवा मोक्ष काम होवा उदार दी, आप हरिनाम का जप चालू कर दीजिए। जब हरिनाम का जप चालू करेंगे तो जप के प्रभाव से आपकी जितनी बुरी आदतें जो आप छोड़ना चाहते हैं वो स्वतः ही धीरे धीरे छूट जाएंगी। तो ऐसा नहीं कि अपनी बुरी आदतें छोड़ें, इंतजार करें कब मेरी बुरी आदतें छूटेंगी और फिर मैं जप करूं, ऐसा नहीं है। ये चेतन महाप्रभु की बहुत बड़ी हम पे कृपा है। तत्र अर्पिता निहिमिता स्मरणे न काला, कि भगवान ने इस मंत्र को करने में कोई भी नियम नहीं लगाया है। सुबह दोपहर शाम रात में कभी भी मंत्र कर सकते हैं, चलते उठते खाते पड़ते कहीं भी कर सकते हैं। सब्जी लेने मार्केट जा रहे हैं तो मंत्र कर लिया, डॉक्टर के पास गए अपॉइंटमेंट में वेट समय लग रहा है तो मंत्र कर लिया, कहीं भी कैसे भी इस महामंत्र का जाप करके हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जरूरी है, इस मंत्र का जाप करने के लिए हमें किसी प्रमाणित साधु का निर्देशन चाहिए। उसके मार्गदर्शन में करेंगे तो मन बहुत तेज़ी से नियंत्रित होगा। और मन कैसे नियंत्रित होगा कि जब महामंत्र का जाप करेंगे तो हमारा जो मन, जब हम बोलेंगे मुंह से तो हमारा जो शब्द, हमारा जो माइंड है उसको सुनने में लगाना है। हमने बोला हरे कृष्णा तो मन को ऑब्जर्व करना है उसको सुनने में। तो हमारा एक मामा जो मुंह से निकलेगा उसको हमें इस कान में डालना, जब कान से वो यहाँ जाएगा हृदय का शुद्धिकरण होगा और फिर हमारा मन नियंत्रित होगा। कभी कभी लोग तरह तरह के तकनीकें लगाते हैं मन को नियंत्रित करने का। जैसे मैं भी आंदोलन में आने से पहले खुद बड़े बड़े सेमिनार दिया करता था कि मन कैसे कंट्रोल करना है, वो सारे मंडेन टेक्निक लोगों को बताया करते थे, बाहर की मैगजीन पढ़ते थे कि कैसे मन को कंट्रोल करना है। कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं अपनी शक्ति से मन को कंट्रोल कर लूँगा, ही इज़ ए ब्लफर, ही इज़ ए चीटर। कोई भी व्यक्ति मन को अपनी खुद की शक्ति से, यहाँ तक कि भक्त भी अपनी भक्ति की शक्ति से मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं भूमि आपा नल वायु मनहा खाम बुद्धि रे विचार, कि मन जो है भगवान की शक्ति है। तो एक कैसे हम छोटा सा जीव, एक तुच्छ जीव भगवान की शक्ति को कैसे नियंत्रित करेगा। मन को नियंत्रित करने का मतलब है भगवान को नियंत्रित करना, तो संभव नहीं है। मन नियंत्रित होता है भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, जब उनके मार्गदर्शन में महामंत्र का जाप करते हैं और जाप को सुनते हैं। देखिए हमारे माइंड की एक कमजोरी है, वो कमजोरी क्या है कि हमारा मन एक समय में एक ही कार्य करेगा, या तो वो सुनने में लगेगा और या फिर उसका ध्यान किसी चीज़ सोचने में जाएगा, दो में से कोई एक काम करेगा। वो दोनों काम साथ में नहीं कर सकता कि वो सोच भी ले और सुन भी ले, ये मन नहीं कर सकता है। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र को केवल जब बोले उसको सुनने में लगाएंगे, हमारा मन आप देखेंगे नियंत्रित हो जाएगा, बहुत जल्दी नियंत्रित होगा, स्थिर भी होगा, शांत भी होगा। लेकिन अच्छा है कि मार्गदर्शन में करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।